फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ मंदिर की रहस्यमय बातों को बताने जा रही हूँ इसमें। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लाइक कमेंट जरूर करके बताएं, और किस वीडियो किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर की क्या रहस्यमय बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं। तो बताती हूँ, बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण यह है कि जब राजा अशोक भारत के शासक थे उस समय बद्रीनाथ मंदिर की पूजा बौद्ध मंदिर के रूप में की गई थी। स्कंद पुराण के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य को नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी और फिर 18वीं शताब्दी में उस मूर्ति को उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया। और रहस्यमय बातें बताया जाए तो उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठने के दौरान विष्णु जी ठंड के मौसम से बिल्कुल अनजान थे और उस समय बर्फ गिरना शुरू हो गया। तभी लक्ष्मी माँ उनको बचाने के लिए एक बद्री नामक वृक्ष का रूप धारण कर लेती है और फिर इस प्रकार उन्होंने उनकी रक्षा की। तभी विष्णु भगवान ने ये कहा लक्ष्मी माँ से कि आपने भी मेरे जितना तपस्या की है, इसलिए आज से इस जगह को और मुझे बद्री नाम से पूजा जाएगा। और तब से इस जगह को बद्री नामक स्थान भी कहा जाता है। साथ में ही यहाँ बद्री की मतलब बैर की वृक्ष की बहुलता के कारण इसे बद्रीनाथ भी कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर का भगवान विष्णु के अवतार नारायण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ स्वयं विराजमान करते थे और इस स्थान को भू बैकुंठ भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे शंख क्यों नहीं बजाया जाता। तो यहाँ पे शंख इसलिए नहीं बजाया जाता क्योंकि माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक एक राक्षस का वध किया। और हिंदू धर्म में शंखनाद किया जाता है, लेकिन विष्णु जी ने लक्ष्मी के ध्यान को भग्न न करना चाहते थे, इसलिए वह शंख नहीं बजाए। मंदिर का निर्माण और विस्तार की बात किया जाए तो मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान गढ़वाल के राजाओं द्वारा किया गया था, लेकिन 1803 में हिमालय में आए भूकंप ने इस मंदिर को पूरी तरह बड़े पैमाने से नष्ट कर दिया। ये मंदिर भगवान विष्णु के समर्पित एक प्राचीन हिमालय के उन चार तीर्थस्थलों में से एक है जहाँ हर हिंदू एक बार अपने जीवन काल में जाने के लिए तरसते हैं। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर द्वापर युग से भगवान विष्णु के विग्रह दर्शन भक्तों को होने लगे। और अगर बात किया जाए कि ये कहाँ स्थापित है तो ये बद्रीनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के चमोल जनपद के अलकनंद नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3150 मीटर ऊंचा है और यह मंदिर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यह जोशीमठ से 45 किलोमीटर के ट्रैक से है। पहले यहाँ पे जाने की कोई सुविधा नहीं थी, पर अब सड़क बन चुका है तो अब यहाँ जाने की सुविधा भी हो गई है। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, नर और नारायण पर्वत है कहा जाता है जिन्हें। नर और नारायण पर्वत के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंश नर नारायण ने तपस्या की थी यहाँ पर। बद्रीनाथ को बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर शिला ग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। और यह भी माना जाता है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक यही रहे थे। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं, गर्भगृह जो गर्भगृह के रूप में ही जाना जाता है, दर्शन मंडप को पूजा हॉल के रूप में जाना जाता है, और सभा मंडप जिसे सम्मेलन हॉल के रूप में जाना जाता है। कलयुग में इस धाम को बद्री काछम अथवा बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बद्री का मतलब है बैर के वृक्ष। यहाँ पे एक बद्री नामक फल जिसे हम लोग बैर बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बहुलता के रूप में पाया जाता था। अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी और रहस्यमय बातें ये है कि अभी तक पता चला है कि ये मंदिर आखिरकार क्यों बंद हो जाएगा आने वाले दिन में। तो कहा जाता है कि आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम बंद हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला होते जा रहा है और अभी एक
रूह की जितनी पतली हो चुकी है उनकी हाथ, तो अगर आने वाले दिन में अगर उनका हाथ अलग हो जाता है तो इस उस दिन ये हाथ अलग होने के कारण नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के बीच में बसा हुआ है और जाने का एक बीच से ही रास्ता होता है, तो दोनों को बंद होने जाने के बाद बद्रीनाथ धाम के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। और अगर आप लोग, और एक बात की बद्रीनाथ धाम के मंदिर के बगल में ही एक कुंड है जिसमें नहाने के बाद इंसान के पाप और साथ में ही उनके होने वाले रोग सब दूर हो जाते हैं। और अधिक बातें बताएं तो बद्रीनाथ मंदिर एक रहस्यमयी जगह है, ये तो आप लोगों को पता ही चला है। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस स्थान के बारे में चाहिए तो ये जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये जगह का वीडियो चाहिए, और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और बस यही तरह मेरी वीडियो में बने रहें, आप लोग का प्यार, आप लोग का यही आप लोग का प्यार से ही मुझे और भी ज़्यादा उत्साहित फील होता है, तभी मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और भगवान के नाम से अगर बात किया जाए तो और भी वीडियो, जैसे में हो गया जगन्नाथ मंदिर, अगर मैं जगन्नाथ मंदिर के पर वीडियो लाने वाली हूँ तो आप लोग मेरे वीडियो में पूरा बने रहें। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे और मेरी सारी वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। और यही थी मेरी वीडियो की, आज की स्पेशल वीडियो, तो आप लोग को कैसा लगा ये जरूर बताएं। और ये विष्णु भगवान का मंदिर है, मैं भी चाहती हूँ एक बार जाना।